नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए लेके आए एक बहुत अच्छा काम। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेके आता हूँ। आज बात करेंगे, अगर आपने थोड़ा सा बिना 1 रुपए लगाए भी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1 रुपए नहीं लगा, बिना 1 रुपए लगाए भी आप दिन के 1000-1500 रुपए कमा सकते हो बड़ी इजीली। ऐसा कौन सा काम होने वाला है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बस 6 महीने या फिर 3 से 6 महीने की एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, छोटी सी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या फिर आप कहीं भी आपके आसपास भी सीख सकते हो। मेरा कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भाई कोई कोर्स करने के लिए, कोई कोर्स नहीं। आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में अगर आप सीखोगे, 2 काम बता दूंगा, उससे आप अपना सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। और आप दिन का, मैं सही बता रहा हूँ, 1000-1500 रुपये बड़े इजीली कमा लोगे। कहीं आपको नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे आपको काम मिल जाएगा। इतना अच्छा और इतना बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, और चैनल पे अच्छे वीडियो और रेगुलर आपको हर वीडियो टाइम से मिलता रहे, तो नोटिफिकेशन वाला जो घंटी वाला बटन होता है वो भी ऑन कर लिया करो, जिससे कि आपको हर वीडियो टाइम से मिल जाए और हर वीडियो आपको सही जानकारी दे जो आपके काम आए। चलिए, हम मैं ऐसे 2 कौन से काम है जो आपको बताने वाला हूँ, बिना 1 रुपए लगाए पैसा भी नहीं लगेगा, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है, कितने लोगों को नौकरी मिल जाती है? भाई सर, 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको नौकरी करनी ही नहीं है, छोटा सा कोर्स करो कोई ऐसा जो आज की रिक्वायरमेंट है, और घर बैठे आपको काम मिल जाएगा। ऐसा कौन सा काम है? पहले नंबर 1 पे आता हूँ। नंबर 1 की बात करूं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखिए आप। ये एक ऐसा काम है, क्योंकि आज आप देखोगे ना, हर हाथ में मोबाइल है। आज की डेट में आपको मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। अब मोबाइल है तो सीधी सी बात है भैया, खराब भी होंगे। अब खराब होंगे तो रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर कितने लोग जाते हैं? मैं आपको बताऊं, 10% लोग भी सर्विस सेंटर नहीं जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 10% लोग भी सर्विस सेंटर नहीं जाते सर्विस कराने के लिए। तो कितने, अगर हम मान भी चाहें तो 90% लोग कहाँ आएंगे? लोकल मार्केट, लोकल एरिया, जहां भी आप रहते हो आपके आसपास सर्विस कराने के लिए आएंगे अपने मोबाइल की, अगर कुछ खराब होता है तो। ठीक है, अब आपको करना क्या है? पहले तो आपको 3 महीने 6 महीने कोई अच्छा कोर्स करना है। ऐसा मत करो कोई काम चलाओ। ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी काम को करेंगे पूरा निपुणता या पूरे अच्छी तरीके से नहीं करेंगे। वो ज्यादातर लोग क्या क्या करते हैं, काम चलाऊ कर लेते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भैया, काम चलाऊ नहीं करना है। अच्छा मैकेनिक बनो, एक अच्छे वो बनो, जिससे कि आपको हर काम इतना परफेक्ट आएगा। अगर आपने काम किसी का कर दिया तो वो तारीफ करे आपकी कि भैया मेरा मोबाइल उस बंदे को दिखाया था, उसने ठीक किया, दिन तक ये प्रॉब्लम। उससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा आपकी इमेज बन जाएगी, और आपके एरिया में जितने भी बंदे होंगे सारे के सारे आपके पास आएंगे। और एक मोबाइल, में सही बताऊं, आपके अगर दिन के 2-4 मोबाइल भी सर्विस के लिए आपके पास आ गए ना कुछ खराबी के लिए, मैं बताऊं 1500 रुपये कब बन जाता पता ही नहीं चलता, क्योंकि पार्ट्स बहुत सस्ते सस्ते आते हैं और लोगों को कुछ नहीं पता होता कि ये कितने का पार्ट है। मोबाइल खोलने का ही 100-200 रुपये लोग ले लेते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। तो आप, ये बहुत अच्छा काम है। अब मैं आगे इसमें जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको क्या करना है, 3 से 6 महीने कोई सा ले लो, आप एक कोर्स कर लो कोई सा भी मोबाइल का, जो परफेक्ट अच्छी जगह से करो, जो बढ़िया से आपको एक अच्छा मैकेनिक बना दे मोबाइल का, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज जो हम आने वाले हैं, कोई ऐसी एरिया में अपनी शॉप खोलो जहां पे गांव का लोकल एरिया हो, गांव का कोई कस्बा हो, गांव का एक छोटा शहर हो। बड़े शहरों में मत खोलो, इसका रीजन बताऊंगा आपको लॉजिक के साथ। इसका रीजन ये है, देखिए गांव में क्या होता है कि हर कंपनी का अगर वो जो सर्विस सेंटर होता है गांव में नहीं होता। शहरों में क्या होता है कि हर बड़े शहर में आपको इनका सर्विस सेंटर मिल जाएगा, जैसे किसी भी कंपनी का ले लो, सर्विस सेंटर शहरों में होते हैं। गांव वालों के पास ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें सर्विस करानी है तो कहाँ जाएंगे, शहर में जाना पड़ेगा, कोई आपके बड़े शहर में जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका सर्विस सेंटर होगा। अब लोग पर्टिकुलर इतनी दूर नहीं जाना चाहते। दूसरी चीज, आज जाएंगे तो वो आज सर्विस सेंटर वाला मोबाइल देगा नहीं, आज डाल के आएंगे कल लेने जाएंगे। और तीसरी चीज ये है कि लोग इतने देर बिना मोबाइल के 2 दिन नहीं रह सकते। तो आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, और लोग सर्विस कराने आएंगे ही आएंगे, बाइक वो अपना मोबाइल ठीक कराने आएंगे ही आएंगे, और आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है।
और अभी कुछ नहीं है, मैं सही बताऊं अभी तब भी हर हाथ में मोबाइल नहीं है, अभी लगभग 70 से 80 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, अभी ये 150 करोड़ होने वाले हैं बड़ी जल्दी। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे करके, मोबाइल हर एक एक बंदा दो दो मोबाइल रखता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा और बहुत जबरदस्त काम है और अच्छा खासा चलने वाला है। आपको अभी कोई इसमें इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि और काम करोगे तो ज्यादातर लोगों को आजकल ये सबसे बड़ी टेंशन है काम शुरू करने से पहले कि यार कहीं ऑनलाइन ना चालू हो जाए इसका काम, तो वो ठप्पा रह जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ने बड़ी मार्केट की मट्टी पीट रखी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एक दुकानदार हूँ तो आपको इसलिए ये सारी चीज बता रहा हूँ कि इसमें अभी जल्दी से कोई ऐसा वो आने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐप आएंगे, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीज ठीक है, लेकिन फिर भी आपका काम चलता रहेगा, अभी अच्छा खासा चल सकता है, आप कुछ दिन तक सेफ और इसको वो मान सकते हो, कुछ दिन तक आपका काम बढ़िया चल सकता है अगर आप ठीक ठाक अच्छा वो करते हो तो, लोगों को वो सर्विस अच्छी देते हो तो। अब हम बात करेंगे जो दूसरा मैंने बताया, ये भी बहुत अच्छा काम है। दूसरा मैंने बता रहा हूं आपको बाइक रिपेयरिंग, ये काम क्यों बता रहा हूं, दोनों का दोनों ही ऐसे हैं जो आपकी अपनी स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी उस पे सेल्फ उस पे डिपेंड करता है, किसी के यहाँ कुछ नहीं करना। आप अगर आपको एक अच्छी बाइक रिपेयरिंग आती है, क्योंकि बाइक भी आजकल हर घर में बाइक है, और बाइक है तो सीधी सी बात है वो सर्विस भी होगी, रिपेयरिंग भी होगी, सब चीज होगी। और मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको अगर आपने हमारा एक पुराना वीडियो देखा है इस चैनल पर पढ़ा है, पता नहीं दूसरे चैनल पर पढ़ा है, तो मैं अपनी बाइक को खराब हुई थी तो उसको रिपेयर करा के लिए भाई साहब 4,000 रुपये लगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ 4,000 रुपये, आप अंदाजा लगाओ। अब उसमें कितने का उसमें मटेरियल पड़ा, मुझे लग रहा है हार्डली 2,000 का भी नहीं पड़ा होगा, उसने अगर कोई सामान डाला होगा मैं नहीं समझता कि 2,000 से ज्यादा का पड़ा होगा। अब मुझे उसका नहीं पता कि कौन सा लोकल है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा क्या है, मुझे उसके बारे में पता बिल्कुल नहीं पता। तो भाई साहब इसमें इसीलिए मुझे ये आइडिया, मैं आप पीछे एक वीडियो में और बता चुका हूँ इस चीज के बारे में कि बाइक रिपेयरिंग एक अच्छा, और मैं जब भी जाता हूँ आप देखोगे मैं 3 दिन में मेरी बाइक मेरे को मिली है। आप कभी भी जाना बाइक रिपेयरिंग वाली दुकान पे, आप देखोगे कि उसके पास हमेशा भीड़ रहती है, मतलब 2-4 बाइकें हमेशा खड़ी रहेंगी, और एक सर्विस का कम से कम ना 200 रुपये लेता है, एक सर्विस का कितना लेता है 200 रुपये, जिसमें उसका कुछ भी नहीं पड़ता, ऑयल आपको खुद 350 रुपये का डलवाना पड़ेगा, 350 रुपये का ऑयल आपको अलग से डलवाना पड़ेगा, 150 या 200 कम हो सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन हमारे यहाँ पे 200 रुपये लेता है, कहीं पे 150 भी ले लेगा सर्विस वाला, क्योंकि उसको उसका है ही, अगर दिन में उसने 3-4 बाइक भी अगर सर्विस कर दी सीधा सीधा उसका यार 500-600 रुपये बन गया बिल्कुल, जिसमें कुछ भी नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं, पार्ट्स पड़ते ही पड़ते हैं और पार्ट्स में उसका अलग से कमीशन रहता है, जो रेट आता भाई सब उसी में तो उसकी सबसे अच्छा प्रॉफिट, ये सर्विस तो खाली नाम का है, मैं रियलिटी बताऊँ अच्छा प्रॉफिट तो आपको यहीं पर होने वाला है, क्योंकि पार्ट्स में बहुत अच्छा मोटा पैसा बनता आ रहा है, कितने पैसे का लगा रहे हैं कस्टमर पे, कितने पैसे का ऑयल डालते हैं, ऑयल में क्या लग रहा है आ रहा, मुश्किल 300 रुपये का आ रहा है, बिक रहा है कस्टमर को कितने पड़ा 50.5 रुपये यहाँ से, मतलब वो हर सर बाइक पे लगभग लगभग 200 से लेकर 250 रुपये बड़े आराम, अगर दिन में आपने 4 बाइक भी रिपेयरिंग कर दी मैं 100% कहता हूँ आपके 1,000 रुपये पेमेंट है घर बैठे। आप अपने आसपास खोलिए जरूर, इसके लिए क्या है हर जगह आपका कस्टमर है, कोई आपको ऐसी जगह नहीं खोलना, कोई ऐसी जगह नहीं कि नहीं मुझे जाके शहर में करना है, अपने गाँव में करो, अपने आसपास करो, जो भी आपका कस्बा हो कोई भी ऐसी चीज हो वहां पे इस काम को कर लो, बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, चलना ही चलना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो मैंने दो काम आपको बताया ना सबसे ज्यादा ये इसमें बड़ा अच्छा पैसा, और ये तो मोबाइल वाले में तो 100% चांस है कि आपको चल ही जाएगा, कोई छोटी सी दुकान ले लो, आपको कोई बड़ा वो भी नहीं लेना कि नहीं यार हमें बड़ी दुकान लेनी है, इसमें अब छोटी सी दुकान देखो अगर 4x4 की भी कोई सी छोटी सी जगह मिल जाती है वहां पे मार्केट में आप ले लो, कम रेंट में अच्छी दुकान मिल जाएगी क्योंकि जगह आपको कम चाहिए। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं आपको भैया, इन सबका प्रचार करना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया को अपना वो बना लो, वीडियो बनाओ इसके कि भैया मैं बाइक रिपेयरिंग बढ़िया करता हूँ, आपको दिखाना पड़ेगा, मोबाइल रिपेयरिंग करते हो दिखाओ यार, हर चीज दिखाओ, उनको बताओ यार हम इतने में आपकी ये चीज करके दे देंगे, इतने में ये चीज करके दे देंगे, ऐसे कस्टमर दौड़ा दौड़ा सोशल मीडिया बहुत जल्दी आता है, मोबाइल कुछ सी का खराब है उसका वीडियो बनाओ और दिखाओगे भैया ये आपका ये चीज खराब है मैं इतने पैसे में करके दे दूंगा, ये हमारी दुकान है, ये हमारा एड्रेस है, आ जाओ हमारे पास,
आप देखोगे यार आपके पास इतना कस्टमर आ जाएगा बहुत ज्यादा। बाइक में, बाइक की रिपेयरिंग करते हो इसको बताओ हम अपने यहाँ पे इतने में सर्विस करते हैं, हम यहाँ पे इतने में ये काम करके दे देते हैं, इतने में ये चीज करके दे देते हैं, मतलब जो करते हो उसका दिखाओ, सोशल मीडिया को यूज करो, जिस पे आप दिन भर टाइम पास करते हो उस पे लोगों को बताओ, आप देखोगे यार। मैंने देखा है लोगों को ऐसा बिजनेस ग्रोथ करा है सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा, भरी हकीकत बता रहा हूं ये बात। और आपके वहां से पैसे भी आना चालू हो जाएंगे, हर जगह डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, वहां लोग वीडियो देखेंगे, वहां से भी पैसा आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो करके देख लेना, आप देखोगे यार कैसा आइडिया दिया आपका। यहाँ तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वहां से बड़ा मोटा पैसा आता है। और कई दुकान वाले, कई बंदे अपना ऐसे ही काम दिखा के सोशल मीडिया प्रचार करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको तो सोच के भी हैरानी होगी, मैं सही बताऊं जब करोड़ों का नाम आता सोचते यार करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते होंगे। मैं बताऊं हम तो 1 लाख भी सोचने की लोगों की क्षमता नहीं है, लोग सोचते यार 1 लाख कैसे कमाएंगे, लेकिन वो करोड़ों कमा रहे हैं केवल ऐसे ही प्रचार करके। अपनी दुकानों का प्रचार करा, आज की डेट में कस्टमरों की लाइन लगी रहती है। और क्यों डूब जा रहे हो यार सोशल मीडिया पे, तो हो गई, आप खुद नहीं देखते क्या वीडियो लोग दिखाते हैं। हर बंदा आजकल अपना प्रचार कर रहा है, ये तो बंदे तो छोड़ो यार, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रचार सोशल मीडिया पर करती हैं। तो आपको क्यों पीछे रहना है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। फिर कहूंगा यार ऐसे ही कामों में अपना दिमाग लगाइए जिसमें भी अपना काम आपका हाथ का हुनर हो जाएगा, कभी भी आपको किसी के यहाँ नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए लेके आया था वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, नया चैनल थोड़ा सा सपोर्ट करो, अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी, बढ़िया पैसा कमाओगे। और रियलिटी बताऊँ आपको, नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मत भागिए नौकरी के लिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपना काम सीख लो यार, कभी ना कभी आपको नौकरी के लिए कभी नहीं भागना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जय।